श्री राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी कृष्ण दासों का वृंदावन के भक्तों का सभी का स्वागत है। जैसे गुरुदेव अनुरुद्धाचार्य जी को आप सभी जानते हैं, जो आस्था चैनल पर इनकी कथा आती है यूट्यूब के माध्यम से, सब में छाए हैं, विदेशों में भी कथा करने जाते हैं और यूट्यूबर पर भी काफ़ी बड़ा परिवार है, जो कि डायमंड, गोल्ड, सिल्वर सब बटन मिल चुके हैं और बहुत ही काफ़ी बड़ा यूट्यूबर्स, फॉलोवर्स हैं, सब्सक्राइब हैं। अब देख सकते हैं गुरुदेव की वाणी की कथा सुनकर काफ़ी करोड़ों जीवन सुधर चुका है और वृंदावन में भी सभी भक्त गुरुदेव के गौरी गोपाल आश्रम आते हैं और भाव से कथा सुनते हैं। अब बताने जा रहे हैं हम आपको दीनेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के बारे में। जी हाँ, जो कि गुरुदेव पहुँचे और उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया, उनको बालाजी की प्रतिमा विग्रह दी उपहार में, सोटा दिया बजरंगबली का। देखते हैं गुरुदेव के लिए कितने कितने सुंदर उपहार देते हैं, जिसकी जैसे श्रद्धा होती है गुरुदेव मना नहीं करते, कुछ भी हो रख लेते हैं। आप देख सकते हैं उनको गुलाबी फ्लावर देके उनको सम्मान किया गया और सभी संतों के बीच में दिखाई दिए। महा महा भक्त आए, जो कि किन्नर भी वहाँ मौजूद थे और उनके बॉडीगार्ड, उनके बाउंसर भी उनके पीछे है खड़े दिख रहे हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं गुरुदेव सभी से मिले, जो कि आजकल फिल्मों में गाने सॉन्ग गाए हैं उन्होंने, वो उनके घर भी गए थे गुरुदेव। अब बताते हैं आपको प्रदीप मिश्रा जी के बारे में, जो शिव पुराण कथा करते हैं, नंबर वन पे कथावाचक चल रहे हैं। देख सकते हैं आस्था चैनल पर भी कथा आती है। कहते हैं एक लोटा जल सब समस्याओं का हल, महादेव की कृपा सभी भक्तों पर बरसते हैं, क्योंकि हमारे भोले बाबा बहुत भोले हैं लेकिन अपना भोलापन खोते हैं तो वो महाकाल भी कहलाए जाते हैं। शिव पुराण कथा में सिर्फ इतना ही नहीं बताया जाता, बहुत अनेक प्रकार की बातें बताई जाती हैं जो हमारे जीवन पर बहुत लाभ और डिपेंड करती हैं और हमारे जीवन में बहुत कामयाब वो बातें हमें बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल मौका देंगी, जो हमारे लाइफ के बारे में बताई जाती हैं। कथा में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुना करो टाइम निकाल के। अब बताते हैं हम देवकी नंदन ठाकुर जी के बारे में, जो वृंदावन में रहते हैं और मध्य प्रदेश में भी कथा ही चल रही है, हनुमत कथा देख सकते हैं। जो देवकी नंदन ठाकुर जी, बड़े बड़े बाल हैं, वाइट वस्त्र पहन के हैं, चेहरे पर बहुत सुंदर सा तेज है, मुस्कुराहट है, महासंत सभी भाव से कथा सुन रहे हैं और बहुत ही आनंद आ रहा है, सभी को झूम रहे हैं आनंद में और बहुत ही प्यारा कथा करते हैं, इनकी बहुत मीठी वाणी है। और इनका वृंदावन में प्यारा सा सुंदर से मंदिर है, जो देख सकते हैं राधे कृष्ण भगवान का। सभी भक्त अपने भाव से कथा भागवत जी की आरती उतार रहे हैं और गुरुदेव के हाथ में सोटा है बजरंग बली का, जो उपहार में भक्तों ने दिया है। और देख सकते हैं सभी माताएं अपने अपने आंचल रख के सर पे भाष्य में भागवत कथा सुन रही हैं। अब बताते हैं हम प्रेमानंद महाराज जी के बारे में, जो कि वृंदावन में ये भी रहते हैं, महान आत्मा सब वृंदावन में रहती हैं, ब्रज धाम में। देख सकते हैं लाडली जी का श्रृंगार रोज़ाना चेंज होता है, उनका प्यारा प्यारा श्रृंगार, सुंदर से सुंदर श्रृंगार होता है। लाडली जी का नाम और उनका गुरु का सभी सिंहासन पे विराज जाते हैं। आप देख सकते हैं गुरुदेव वही पीले वस्त्र पहनते हैं रोज़ाना, चंदन पूरे मस्तक पे लगाते हैं और लाडली जी के लिए पुष्प तोड़ तोड़ के इनको सजाया जाता है, अर्पित किया जाता है। श्याम सुंदर और हमारी किशोरी जी को बहुत प्यारी लग रही हैं, उनको बस जैसे वस्त्र पहनाते हैं वैसे उनके प्यारे प्यारे आभूषण पहनाते हैं। प्रेमानंद महाराज जी बहुत ही भाव में खो के अपने कीर्तन सुनते हैं करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करने, ताकि आने वाली में और कुछ आपको खास दिखा